नमस्कार दोस्तों, ज्ञान श्री एजुकेशनल ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सभी को मालूम होगा कि 12 मार्च 2020 को हरियाणा बोर्ड का 10th क्लास का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी विषय में आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम 10th क्लास के सेट बी पेपर की ग्रामर पोर्शन सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, कर्ड डैश 50 रुपीज़ अ लीटर, और इसमें फ्रेंड्स हमें जो वर्ब दे रखी है वो है कॉस्ट। तो कॉस्ट की फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होएगी वो होगी कॉस्ट, कर्ड कॉस्ट 50 रुपीज़ अ लीटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, माई मदर जस्ट डैश फ्रॉम करनाल, और फ्रेंड्स जो हमें वर्ब दे रखी है ब्रैकेट में वो है अराइव। तो फ्रेंड्स अराइव की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज़ होएगी वो होएगी अराइव्ड। तो माय मदर हैज़ अराइव्ड फ्रॉम करनाल, ये हमारा राइट सेंटेंस होगा फ्रेंड्स। अगला सेंटेंस देखिए, माय सिस्टर डैश अ बुक एट द प्रेजेंट मोमेंट, और इसमें फ्रेंड्स जो हमें वर्ब दे रखी है वो है राइट। तो राइट के फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होएगी वो होएगी इज़ राइटिंग, माय सिस्टर इज़ राइटिंग अ बुक एट द प्रेजेंट मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स वेर एवर नेसेसरी। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इटली इज़ डैश यूरोपियन कंट्री, तो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट आर्टिकल यूज़ होएगा वो आएगा ए, इटली इज़ अ यूरोपियन कंट्री, ये हमारा राइट सेंटेंस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डैश डिनर गिवन बाय मी वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, तो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट आर्टिकल यूज़ होएगा वो आएगा द, द डिनर गिवन बाय मी वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई शैल बी बैक इन लेस देन डैश आवर, तो फ्रेंड्स में जो करेक्ट आर्टिकल यूज़ होएगा वो आएगा एन, आई शैल बी बैक इन लेस देन एन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, वो है चेंज द नरेशन। इसमें जो हमें फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है वो है, माई टीचर सेड टू मी हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर यू, तो फ्रेंड्स जब हम नरेशन चेंज करेंगे तो हो जाएगा, माई टीचर आस्क्ड मी हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी वर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हर यू आर वेस्टिंग योर टाइम्स, तो फ्रेंड्स इसकी जो नरेशन बनेगी वो होगी, ही टोल्ड हर दैट शी वाज वेस्टिंग हर टाइम्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, शी सेड टू मी वेलकम टू द पार्टी, तो फ्रेंड्स की जो नरेशन होएगी वो होएगी, शी वेलकम्ड मी टू द पार्टी, जो कि मेरा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। टी पार्ट देखिए फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, डैश दैट आई वर अ किंग, इसमें जब हमें मॉडल्स दे रखे हैं वो है वुड शुड और माइट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट मॉडल यूज़ होएगा वो होएगा वुड, वुड दैट आई वर अ किंग, ये हमारा राइट सेंटेंस होगा फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ़ यू डू नॉट रन यू डैश मिस द फ्लाइट, इसमें जो फ्रेंड्स हमें मॉडल्स दे रखे हैं वो हैं विल शैल और कैन, तो यहाँ पे जो करेक्ट मॉडल यूज़ होएगा फ्रेंड्स वो होएगा विल, इफ़ यू डू नॉट रन यू विल मिस द फ्लाइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, रानी सेड दैट शी डैश सॉल्व द सम, इसमें जो फ्रेंड्स हमें मॉडल्स दे रखे हैं वो हैं कुड शुड और वुड, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट मॉडल यूज़ होएगा वो होएगा कुड, रानी सेड दैट शी कुड सॉल्व द सम, ये हमारा राइट सेंटेंस होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फ्रेंड्स, यूज द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इन टू करेक्ट फॉर्म जेरंड और इन्फिनेटिव, तो फ्रेंड्स इसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बननी है जेरंड और इन्फिनेटिव का यूज करके। तो फर्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा वो है, द ओल्ड मैन इज टू वीक डैश, और जो हमें ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है वो है वॉक, तो फ्रेंड्स इसकी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी यहाँ पे वो होगी टू वॉक, द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज़ ईजी डैश अदर्स, और जो हमें वर्ब दे रखी है फ्रेंड्स वो है एडवाइस, तो एडवाइस की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होएगी फ्रेंड्स यहाँ पे वो होगी टू एडवाइस, इट इज़ ईजी टू एडवाइस अदर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, प्लीज स्टॉप डैश नॉइज, और जो हमें वर्ब दे रखी है फ्रेंड्स वो है मेक, तो यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होएगी फ्रेंड्स होएगी मेकिंग, प्लीज़ स्टॉप मेकिंग नॉइज, जो कि मेरा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट पार्ट देखिए फ्रेंड्स, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें जो मैं फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है वो है डॉक्टर आर पी तिवारी इज एम फिल एंड PhD। तो फ्रेंड्स, करेक्टली पंचुएट करने के लिए हम डॉक्टर का डी कैपिटल करेंगे, डॉक्टर के बाद फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे, आर कैपिटल होएगा, आर के बाद फुल स्टॉप, पी कैपिटल और तंवर का टी कैपिटल होएगा फ्रेंड्स, और उसके बाद एम फिल का एम कैपिटल और फिल का पी कैपिटल होएगा फ्रेंड्स, और PhD में पी और डी कैपिटल करेंगे फ्रेंड्स, जिससे सेंटेंस करेक्टली पंचुएट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कम बैक सीता सेड रानी। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कम का सी कैपिटल करेंगे, सीता का एस कैपिटल करेंगे और कम बैक सीता को इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे फ्रेंड्स, और सीता के बाद कॉमा का यूज़ करेंगे और रानी का आर कैपिटल करेंगे फ्रेंड्स, जिससे सेंटेंस करेक्टली पंचुएट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, औरंगजेब द मुगल एम्परर वाज क्रूअल हार्ड हार्टेड एंड अ ग्रेट रूलर। तो फ्रेंड्स, इसमें हम औरंगजेब का ए कैपिटल करेंगे, मुगल का एम कैपिटल हो जाएगा, एम्परर का ई कैपिटल, क्रूअल के बाद कॉमा का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, जिससे कि फ्रेंड्स ये सेंटेंस करेक्टली पंचुएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतना हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इस वीडियो में हमने हरियाणा बोर्ड का क्लास 10th का सेट बी का ग्रामर पोर्शन सॉल्व किया है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।